इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम के बीच कल जहां पर एक महान मुकाबला खेला गया था, जहां पर इस मुकाबला में टीम इंडिया 106 रनों से एक बेहतरीन जीत प्राप्त किया, लेकिन इस खिलाड़ी का निधन से बुरा सदमा लगा टीम इंडिया को। क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर आपको इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी टीम इंडिया का एक सच्चा फैन हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए मैं ना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट कर लेते दोस्तों। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, इंडिया साउथ अफ्रीका टीम के बीच कल के दिन जो लास्ट तीसरा T20 मुकाबला खेला गया था, जहां पर उससे पहले एक मुकाबला में सेकंड T20 में टीम इंडिया हार गया था DSL मैटर से, और उससे पहले फर्स्ट T20 में टीम इंडिया का जो मुकाबला रद्द हो गया था बारिश के कारण। लेकिन दोस्तों अभी ये सीरीज अभी डॉडो हो चुका है कल के दिन, जहां पर 201 रन की शानदार पारी खेला था टीम इंडिया ने। दूसरी पारी पर साउथ अफ्रीका टीम ने बस 95 रन बनाकर ऑल आउट होकर सभी खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। लेकिन इतना बेहतरीन जीत के बाद ही जो एक बहुत बड़ा दुखद खबर आया है जो टीम इंडिया को दोस्तों, जो यहाँ पर जो असम का एक बेहतरीन क्रिकेटर है जिनका नाम है जो सिद्धार्थ शर्मा, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा का हाल ही में उनका कल तबीयत बहुत ही ख़राब था, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में ले गया गया और उनका वहाँ पर ही निधन हो गया। जिस खबर को सुन टीम इंडिया का सभी खिलाड़ी पूरे तरीके से भावुक हो चुका है, और इस जो अपना जो दोस्त को देखने के लिए उनका घर में भी पहुँच चुका है। लेकिन इस खबर सुनने के बाद सभी को बहुत ही बुरा तरीके से सदमा मिला है। जीत का खुशी एक तरह से गम में बदल गया। आप बंधु की क्या है अपना राय।